हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको गेम दिखाने वाला, वो खेली गई थी 1959 के अंदर। खेलने वाले खिलाड़ी थे बॉबी फिशर और मिखाइल टाल। लेवल की बात की जाए तो दोनों वर्ल्ड चैंपियन हैं। उस वक्त मिखाइल टाल की उम्र थी लगभग 23 साल और बॉबी फिशर की उम्र थी 16 साल। आप उन्हें वर्ल्ड चैंपियन नहीं मान सकते हो, लेकिन उनका गेम का क्लास बहुत ही ज़्यादा उमदा था। मिखाइल टाल वाइट पीसेस से खेल रहे थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की D4 के साथ। तो फिशर ने रिप्लाई दिया Nf6 तो C4। कई बार इंग्लिश ओपनिंग के अंदर भी ये पोजीशन रिपीट होती है। पहले हम C4 खेलते हैं और उसके बाद F3 और D4। तो G6 बिशप को फेंच आउट करने की तैयारी, वो हुआ ही। E4 नाइट बिशप E7 कैसल बाय ब्लैक। यहाँ पर बॉबी फिशर ने जल्दी कैसल भी कर लिया। बिशप F3 E4 D7 नाइट अटैच गोज टू D7। G5 नाइट को पिन किया, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। बिशप को ऊपर अटैक है तो उन्होंने बिशप को पीछे लिया। G6 कैसल बाय वाइट, उन्होंने क्वीन को हटाया और नाइट को पिन को ख़त्म किया। नाइट D2, यहाँ पर उनका पर्पज़ ये कि इस बिशप को एक्सचेंज करना है, जो कि गेम के अंदर हुआ। C5 नाइट F6 बिशप टेक्स नाइट टेक्स G3, ये फाइनल पोजीशन आ चुकी थी। और यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन G7 क्वीन D2। इसका डिफेंस करना ज़रूरी था क्योंकि ये पॉन अंडर प्रेशर था, इसलिए उसका डिफेंस किंग से किया। तो क्वीन इन पी E3 स्क्वायर के ऊपर नाइट G8 सेंटर से पॉन एक्सचेंज करने की तैयारी। F5 EF7 G takes तो F5। यहाँ पर बॉबी फिशर ने क्वीन एक क्वीन ट्रेड ऑफर दिया, जिसे उन्होंने डिक्लाइन किया। और अगर क्वीन ट्रेड करते तो पोजीशन डेफिनेटली ब्लैक के लिए अच्छी थी, इसलिए उन्होंने क्वीन ट्रेड को अवॉइड किया। C takes, ये बिशप गया D3 स्क्वायर के ऊपर। और उसके बाद अब यहाँ पर मिखाइल टाल का अटैक शुरू होता है। यहाँ पर उनके नाइट के ऊपर अटैक था, उन्होंने नाइट का सेव न करते हुए वापस ब्लैक के क्वीन के ऊपर अटैक बनाया। तो एक क्वीन गई F7 स्क्वायर के ऊपर, दोबारा क्वीन के ऊपर अटैक। इस पोजीशन के ऊपर पॉल मॉर्फी को खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। जानबूझ के किया गया मूव है और मिखाइल टाल अपने गोल्डन पीरियड के अंदर थे। ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत भारी पड़ा और उसके बाद उनको गेम भी गंवानी पड़ी सेक्रीफाइस की वजह से। गेम के अंदर देखते क्या क्या हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वीन को कैप्चर किया, लेकिन उसके बाद नाइट बिशप से एक चेक आई। यहाँ पर बॉबी फिशर ने सोचा होगा कि एक आध पीस लिया है तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने के बाद भी पोजिशन न्यूट्रलाइज होने नहीं दी थी। उन्होंने रुक टेक्स क्वीन टेक्स और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक आ रहा था। तो किंग गया कॉर्नर के ऊपर, अगर आप कुछ यहाँ पर भी मूव करते तो वो भी उतना अच्छा नहीं। तो ये रुक गया F3 स्क्वायर के ऊपर, क्वीन के ऊपर अटैक है। इस पोजीशन के ऊपर पॉइंट ये है कि आप बैक रैंक के अंदर किसी तरह से क्वीन से चेक नहीं दे सकते, क्योंकि ये दो स्क्वायर नाइट ने कवर कर रखे और स्क्वायर रुक कवर कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने क्वीन को पीछे खींचा और चेक देने की तैयारी की। परपेचुअल के अंदर ड्रॉ मिल सकती है तो ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर पिछली ये बिशप ए रुक इस गेम के अंदर खेल ही नहीं रहे लिटरली, इसलिए उन्होंने परपेचुअल चेक ड्रॉ करने की तैयारी की। उन्होंने लेकिन खेला क्वीन रुक E8 तो ये नाइट गया F6 स्क्वायर के ऊपर। उन्होंने क्वीन ट्रेड ऑफर दिए और इस क्वेश्चन के ऊपर वाइट के पास अब एक्सचेंज आप हो चुके थे, क्योंकि ब्लैक ने फाइनल डिसाइड किया कि यहाँ पर नाइट दे देगा क्वीन टेक्स। इस पोजीशन के ऊपर आप नाइट से नहीं कैप्चर कर सकते क्योंकि नाइट पे नहीं किसी तरह से, तो क्वीन से कैप्चर करना पड़ा क्वीन टेक्स। यहाँ से मुझे लगता है गेम सिर्फ फॉर्मेलिटी पर रह चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मिखाइल टाल इस गेम को होल्ड आराम से कर सकते और ज़्यादा कोई मशक्कत का काम था ही नहीं। रुक गया F8 स्क्वायर के ऊपर, फिलहाल ये बिशप मूव नहीं हो सकता क्योंकि पीछे रुक पिन है, तो
जिस तरह से उन्होंने उन्होंने बिशप के ऊपर सपोर्ट लगाया उस पर उस, लेकिन उसका भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, उन्होंने अपने नाइट को मूव किया। तो H5 A5 ज़्यादा कोई पॉन पुश करने की कुछ ना हो आगे, तो ये रुक गया आप D8² के ऊपर। ये मूव भी ज़्यादा वर्थ इट था ही नहीं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नाइट गया C4² के ऊपर, नाइट के ऊपर दोबारा अटैक, लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने जो मूव खेला उनके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया, और वो मूव था Ne5। इस मूव के बाद उनके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। इस पोजीशन के ऊपर पॉइंट ये है कि आप जैसे ही रुक को यहाँ पर खेलेंगे उसके बाद कोई लीगल वे है ही नहीं खेलने का। इस पोजीशन के ऊपर आप इस बिशप को नहीं मूव कर सकते AP ने, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर अगर आप दूसरी क्वीन से भी मूव खेलेंगे तो चेकमेट ही है। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक पॉन कैप्चर करके देखते हैं, तो ये चेक आएगी, किंग को यहाँ पर ही जाना पड़ेगा। और इस मूव के बाद ये चेकमेट है, ए स्क्वायर नाइट कवर कर रहा है, ए स्क्वायर रुक कवर कर रहा है, और ए स्क्वायर पॉन कवर कर रही है।